वीडियो में हमने देख इसके एल्गोरिथम देख लिया था, जो हमारा क्वेश्चन था काउंट पैर विद गिवन सम, ठीक है, ये पैरिंग वाले सम का हमने मैप का यूज करके एल्गोरिथम देख लिया था। चलिए इस छोटी सी वीडियो में हम इसके कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट करते हैं, इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, एल्गोरिथम के हिसाब से चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। पहला एल्गोरिथम हमें बोल रहा है कि आप ये डिक्लेयर कर दो मैप को, ठीक है जी, कर देते हैं। तो जी मैप को डिक्लेयर तो जरा कर दूं, मैप पैरामीटर, ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। आगे हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। उसके बाद हमें बोल रहा है आप ना एक काम करो, इंसर्ट एरे एलिमेंट इनसाइड मैप, ठीक है, जो भी हमारे एरे एलिमेंट है उनको मैप के अंदर डाल दो और उनकी वैल्यू निकालो, ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारा एन आई प्लस प्लस, हमें मैप के अंदर घुसाना है, बिल्कुल आसान है, मैप एरे आई प्लस प्लस कर दो, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, इससे सबसे पहला आएगा 1, 1 घुस जाएगा, 5 आएगा, 5 घुस जाएगा, 7 आएगा, 7 घुस जाएगा, उसकी वैल्यू सब इन तीनों की वैल्यू तो 1 होगी, और 1 वापस आएगा तो उसकी वैल्यू और इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी वैल्यू उसकी। चलो जी घर तक कर लिया। उसके बाद हमारा ये जो है प्यारा सा एल्गोरिथम वो क्या बोला है, हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमारा प्यारा एल्गोरिथम बोलता है भैया आप ना क्यूब घुमाइए, ठीक है, और अपना जो काउंट है ना उसको बढ़ाइए, काउंट की जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो इस एलिमेंट अगर आता है तब आप उसका मैप की वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। इसको ना आए समझ देख लो एक बार, ठीक है, मतलब हमें सबसे पहले लूप घुमाने को बोला है उन्होंने, पहले एक काम करते हैं काउंट को 0 लिख देते हैं, इनिशियलाइज कर दूँ, थोड़ा लूप घुमाता हूँ मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आई टू 0 आई एन आई प्लस प्लस, मैंने लूप घुमा लिया। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, आपको काउंट को इंक्रीमेंट करना है, जो भी आए काउंट प्लस, मैप में हमारा क्या होना चाहिए, ए माइनस एरे, जो हमारा चाहिए आंसर उसका जो हमारा आंसर चाहिए उस माइनस कर दो, जो हमारे लूप में जो भी एलिमेंट आ रहा है उससे माइनस कर दो, और उसके बाद कोई एग्जिस्ट करता है तभी आप उसका वैल्यू इंटर करो, जैसे 1 आ रहेगा हमारा सबसे पहले, तो 6 माइनस 1 5 आ रहा है, मीन्स इधर आया था हमारा 5, हाँ आया था, उसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 आ जाएगा काउंट में, काउंट प्लस 1 ऐसे करेंगे, ठीक है, और मीन्स हमें सब में ऐसे ही करना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा एल्गोरिथम, आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट काउंट का किस केस में करना है आपको, जब आपका के माइनस एरे जो भी एलिमेंट है वो इसी एरे, मतलब 6 माइनस 3 इस लेते, 6 3 हमारा एलिमेंट है, 6 माइनस 3 3 आ गया, 4 माइनस 2 2 ही आ गया, तो ऐसे डुप्लीकेट टाइप ऑफ, डुप्लीकेट तो नहीं कह सकते, अलग टाइप ऑफ केस, जो चालाकी वाले केस है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो दुश्मन हमारा आंसर रॉन्ग कर देगा, तो उसको हमें एलिमिनेट करने के लिए हमें काउंट माइनस वन कर देना, जो हमने इंक्रीमेंट किया उसको हम डिक्रीज कर देंगे। चलिए इफ कंडीशन डाल देता हूँ, इफ के माइनस, एक मिनट सो ब्रैकेट में डाल दूं जरा मैं, के माइनस जो भी हमारा एरे आई है, ठीक है, वो हमारा एरे आई के इक्वल आ जाए, ठीक है, तब आप भैया क्या कर दो, काउंट माइनस माइनस कर देना, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बोला है एल्गोरिथम, इतना करने के बाद ये आप कुछ मत करो, रिटर्न कर दो काउंट डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये भैया पैर है, ठीक है जी, कर देते हैं भाई, कर दूंगा मैं रिटर्न काउंट डिवाइड बाई टू। चलिए देखते हैं कंपाइल करके, देखते हैं एक मिनट, सक्सेसफुल, बहुत सही, सबमिट भी कर लेते हैं इससे पूरा क्लियर हो जाए हमें। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, चलिए जी हमारा सबमिट भी हो गया, और आप लोग होप ये आंसर भी समझ लिए, ठीक है, और आपको अगर ये कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने तो आपको होमवर्क दिया ही था एल्गोरिथम के बाद ये कोड कर लिया, अगर आपने खुद से कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और आपने अभी आपको देखा तो आपने काफी कुछ सीखा इससे, और पहली बात आप पूछोगे भैया हमें ना मैप क्लिक नहीं हुआ, चमका नहीं बिल्कुल, इस क्वेश्चन में मैप लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी पहली बार नहीं चमका था, समय के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, मैं तो बोला क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखिए, सबसे बेस्ट थिंग है, ऐसे करते रहिए, लगातार करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए, ना आए तो तुरंत क्वेश्चन और रिवाइज कीजिए, तो आपको मीन्स बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा।
ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया उसका तो जरूर ध्यान रखना आपको, सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।